देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल क्लास सिक्स साइंस आपका जो सवाल चल रहा है मापन मेजरमेंट चैप्टर का, ये लास्ट सवाल है। सवाल क्या है? एक खेत की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 600 मीटर, खेत का क्षेत्रफल एयर और हेक्टेयर में ज्ञात करना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? एयर और हेक्टेयर, एयर और हेक्टेयर, इसमें आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सवाल ये हमारा था, प्रश्न में दिया गया है खेत की लंबाई 400 मीटर, खेत की चौड़ाई 600 मीटर। अब चलिए हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। खेत का क्षेत्रफल खेत की लंबाई गुणे खेत की चौड़ाई, खेत की लंबाई गुणे खेत की चौड़ाई। तो खेत की लंबाई है आपकी 600 मीटर और चौड़ाई क्या दिया गया है? लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 600 मीटर। तो लंबाई ये आपकी 400 मीटर, चौड़ाई 600 मीटर, दोनों को गुणा कर लिए, आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 240,000 मीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है, स्क्वायर हिंदी में वर्ग मीटर और वॉल्यूम आयतन आपका घन मीटर में आता है, क्योंकि वहाँ ऊंचाई भी हो जाती है। अब आइए जो हमको ज्ञात करना है, हेक्टेयर एयर मीटर। मीटर छोटा होता है, मीटर से बड़ा आपका होता है एयर और एयर से बड़ा होता है हेक्टेयर। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिलीग्राम से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा किलोग्राम, उसी तरह मीटर से बड़ा एयर, एयर से बड़ा हेक्टेयर। तो हमें एयर और हेक्टेयर ज्ञात करना, तो हम सबसे पहले हेक्टेयर ज्ञात कर लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं, एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर और एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, एक एयर बराबर 100, एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर और 100 एयर बराबर 10,000 हेक्टेयर। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपका ये जो इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे, अब ये जो हमने लिखा है गिनती, इसी फार्मूले से हम उत्तर को निकालेंगे। आइए देखते हैं, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमने देखिए, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, कोई अंतर नहीं आएगा। 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर एक हेक्टेयर, जो इधर लिखा था इधर, इधर बराबर के, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या हुआ, एक मीटर स्क्वायर बराबर एक हेक्टेयर बटे 10,000, एक बटे 10,000 हेक्टेयर, एक मीटर स्क्वायर बराबर। तो 240,000 मीटर स्क्वायर बराबर, तो 240,000 बटे 10,000 हेक्टेयर हम काट देंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऐसे ऐसे जब काट देंगे, चार जीरो ऊपर के, चार जीरो नीचे के काट देंगे, तो आपका 24 हेक्टेयर आंसर आ जाएगा। ये आपका हेक्टेयर ज्ञात हुआ, जो ये यहाँ ज्ञात करना था। ठीक है, दूसरा हमको एयर में ज्ञात करना है। हमें इस सूत्र से क्या मिलता है कि 100 एयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, 100 एयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक एयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर बटे 100, क्या हो गया 100, दो जीरो से दो जीरो कट गया, बराबर 100 मीटर स्क्वायर, अर्थात एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर बराबर एक एयर, इसी को हमने उल्टा लिख लिया, तो एक मीटर स्क्वायर बराबर एक बटे 100 एयर। तो 240,000 मीटर स्क्वायर बराबर 240,000 बटे 100, काट देंगे दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, आपका 2400 एयर आंसर आ जाएगा। तो आप जो आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई थी, इससे आपका 240,000 मीटर स्क्वायर आ रहा था, हेक्टेयर में निकालेंगे तो 24 हेक्टेयर आएगा। ठीक है, 24 हेक्टेयर, और यदि एयर में निकालेंगे तो 2,400 एयर आएगा।
तो बच्चों इस विधा से आपके खेत नापे जाते हैं। जैसे आप बाज़ार में गेहूं, अनाज, दाल, चावल, सरसों खरीदते हैं तो वो किलोग्राम में नापा जाता है, कुंटल में नापा जाता है, टन में नापा जाता है। और यदि आप खेत नापते हैं, आप सभी के पास खेत होंगे, खेतों की जो नाप होती है वो एयर और हेक्टेयर में होती है, खेतौनी निकालते हैं तो उसमें हेक्टेयर में लिखा रहता। तो ये इस तरह आप इसको देखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।